गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल तक ये जो पढ़ा था सबको समझ में आया? ये तीन टॉपिक्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, तीनों समझ में आया क्या? उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे थे स्लाइड में, ये भी सबने ऑलमोस्ट लिख लिए होंगे। इस पे हम अभी आज भी बात करेंगे, ये वाला मैं इरेज कर ही देता हूँ। नोट तो सबने कर लिया होगा। तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन कि रेंज इज मैक्सिमम एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री से आप बता सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा विल बी 90, बिकॉज साइन 90 इज मैक्सिमम, तो थीटा विल बी 45। सो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, बट इन दैट केस हाइट विल नॉट बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हाइट विल नॉट बी मैक्सिमम, क्योंकि उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाइट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर बाय 4g, बट मैक्सिमम हाइट इज एट एन एंगल 90 डिग्री एंड दैट इज यू स्क्वायर बाय 2g, और इधर आती है आपकी 4g, इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली मैक्सिमम नहीं होते हैं, ठीक है? तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ के आपको पता करना है कि वो रेंज मैक्सिमम बोल रहा है या हाइट मैक्सिमम बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल लेके सोल्व करना है। वो क्वेश्चंस जब आएंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगा। फिर हमने एक चीज और देखी थी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दैट इज यू कॉस थीटा। जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल में थी यू कॉस थीटा, वो हर जगह u cos थीटा होगी। तो हाईएस्ट पे देयर इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज u cos थीटा, ठीक है? तो इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी कि ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन जो माइनस g आई थी आपकी, उसकी वजह से द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिक्रीजेस कंटीन्यूअसली टिल हाईएस्ट पॉइंट एंड बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? एंड आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट टिल द पॉइंट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, उसका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट कंटीन्यूअसली इंक्रीजेस नेगेटिव में। क्या चीज सबको क्लियर है? सब लोग बोलो क्या ये चीज सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछो। सो यहां पे मैंने पॉइंट भी लिखा है कि टिल हाईएस्ट पॉइंट स्पीड डिक्रीजेस, बिकॉज y कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल स्पीड डिक्रीज होगी ऑब्वियसली, x कंपोनेंट तो सेम है हर जगह, एंड देन आफ्टर देन मतलब आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है? और हमने यहाँ पे प्रूव किया था, वैसे जरूरत नहीं थी लिखने की, लिख लिया है जो कोई बात नहीं। ये हमने प्रूव किया कि व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, जो इनिशियली था यू साइन थीटा, स्ट्राइक करते वक्त भी आपका यू साइन थीटा होता है वाई कंपोनेंट, पर नेगेटिव में होता है, तो माइनस यू साइन थीटा हमने प्रूव किया था। मतलब वहां से हमने प्रूव किया था जिस स्पीड से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वो उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट करता है। यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है? आगे तभी बढ़ेंगे, कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट। अरे चार पांच लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग समझ में आया? सिलेबस फॉर मेगा टेस्ट आपका 2D मोशन थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है? कहां तक आ रहा है वो मैं आपको बता दूंगा कल तक जो हम पढ़ेंगे, कल कल मतलब फ्राइडे, और बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ही करेंगे हम, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेगा टेस्ट के, ठीक है? तो फ्राइडे तक जो हम पढ़ेंगे वो आपका टेस्ट में आएगा, मतलब ये सब आएगा आपका टेस्ट में, रेंज इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, आज सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे हम। अच्छे,
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चल देखो, तो अभी तक हमने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्या पढ़ा था, समराइज करता हूँ। हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, दैट इज 2u sin θ/g। कैसे आया सबको, डेरिवेशन भी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, हमने निकालना सीखा मैक्सिमम हाइट अटेंड ड्यूरिंग द जर्नी, और वो कब होगी, ऑब्वियसली व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ग्राउंड से ये जो वाई में डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट विल बी मैक्सिमम हाइट। तो वो हमने कैसे निकाली, डेरिवेशन एक बार देख लो, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया वो याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में अल्टीमेटली फॉर्मूला यूज करना है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब एक्सप्लेन करूंगा। चलो जिस जो इसने क्वेश्चन पूछा, सब लोग बताओ, क्या आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज सेम होगी। अगर आप मैथ वाले हो सब लोग, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी आती है, आप बताओ क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होंगी। मतलब जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इफ आई हैव टू पार्टिकल्स, ठीक है, एंड आई प्रोजेक्ट वन पार्टिकल विद स्पीड यू एट एन एंगल 30 डिग्री एंड अदर पार्टिकल विद सेम स्पीड यू बट एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्या दोनों की रेंज सेम आएगी, यस और नो। नो आएगी, क्या मैथ पढ़ते हो तुम लोग, अरे यार क्या मैथ पढ़ते हो तुम लोग, देखो इधर, मुझे लगा है बच्चों वाली चीज है, सोच लोगे खुद से, मैथ वाले होके ये सब करते हो। देखो इधर, लेट्स से पार्टिकल ए दैट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल लेट्स से 30 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर लेना आपको। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं सबको पता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है, तो आप बचपन से पढ़ते यार पता है ना, ठीक। एंड लेट्स से आई हैव अनदर पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड यू एंड बट एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। देखो दोनों का सम 90 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक। प्रूव करते हैं दोनों में रेंज सेम आएगी। देखो इस केस में रेंज लेट्स से R1 क्या आएगी बोलो, दैट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। सो दैट विल बी ऑन सॉल्विंग दैट विल बिकम √3u² / 2g, बिकॉज साइन 60 इज √3/2। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा किसी को, ठीक। एंड इन दिस केस रेंज विल बी R2 लेट्स से, दैट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड थीटा इज 60, साइन 2 थीटा विल बिकम 120 डिवाइड बाय जी, सो दैट इज यू स्क्वायर। अच्छा एक ट्रिग्नोमेट्री सीख लियो, साइन 120 इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 30, ऑल्सो इक्वल टू कॉस 30, ये पता है, अरे पूरी क्लास बोलो ये पता है, साइन 120 इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 30 डिवाइड बाय जी। सेम है कि नहीं है रेंज, रेंज सेम है या नहीं है, तो सब लोगों ने नो बोला, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम लोग ऐसी गलती करोगे। ये सब लिखवाऊंगा मैं अभी, धीरे धीरे सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। दिमाग में आया ये क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है। क्या सबको क्लियर हुआ? सो कैन आई से फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम, यस और नो, फाइनली सोच के बताओ। साइन 60 नहीं, फॉर्मूला तुम लोग नहीं पढ़े हो, मतलब बोला जा रहा है पढ़ के आओ पढ़ के आओ, पढ़ के नहीं आते हो, साइन 60 क्यों हो जाएगा, 2 थीटा नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा ये साइन 120 को बोल रहे हो क्या, तो साइन 120 साइन 60 होता है या कॉस 30 एक ही बात है ना, साइन 60 भी तो √3/2 होगा। साइन 120 को आई कैन राइट ना 90 + 30 एंड साइन 90 + 30 विल बी कॉस 30, या आप उसको 180 माइनस 60 भी ले सकते हैं, दैट विल बी साइन 60। तो बात तो एक ही है ना, आएगा तो √3/2 ना। अरे क्या सबको क्लियर है, इतनी बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हो, मतलब इतना सा मैथ नहीं लगा पा रहे हो। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पाथ एकदम आइडेंटिकल दिखेगा दोनों का, सर रेंज तो सेम आ रही है, सेम स्पीड पे प्रोजेक्ट किया है, बस एंगल अलग अलग है पर रेंज तो सेम आ रही है, क्या पाथ एकदम आइडेंटिकल दिखेगा या कुछ चेंजेस दिखेंगे। नो, अच्छा कहाँ चेंज दिखेगा आपको, ठीक है मान लिया दोनों का पाथ आइडेंटिकल नहीं दिखेगा, किस चीज में चेंज दिखेगा आपको। मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एच मैक्स विल बी डिफरेंट, बहुत बढ़िया सीख रहे हो अभी तुम धीरे धीरे। देखो
तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा आपको? लेट से दिस इज ए प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल 60 डिग्री, या b ले लेते हैं, चलो b को मैंने 60 माना. सो इसका जो पाथ होगा वो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, और ए का जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. सेम यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया बट एट एन एंगल 30 डिग्री, तो वो होगा लाइक दिस. बोलो क्या है, क्लियर है? क्या ये क्लियर है? लेट्स से इसकी एच मैक्स है एच बी, और इसकी एच मैक्स है लेट्स से एच ए. सो एच बी विल बी ग्रेटर देन एच ए. एच बी ज्यादा होगा ये तो पता है ना, बिकॉज मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो जितना ज्यादा एंगल उतनी ज्यादा आपकी हाइट आएगी, और एंगल बी के लिए ज्यादा है तो एच बी विल बी मोर देन एच ए. सबको क्लियर हो रहा है? बोलिए क्या सबको क्लियर? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, पूरी क्लास से सोच के बताना, जल्दी मत करना. ए और बी ऊपर आपको लिखे हैं, स्पीड लिखी है, आइडेंटिकल लिया मैंने, थीटा 30 थीटा 60 दोनों एंगल्स अलग अलग लिए हैं. मैक्सिमम हाइट, अपनी रिस्पेक्टिव मैक्सिमम हाइट पे कौन पहले पहुंचेगा? हु विल रीच द रिस्पेक्टिव मैक्सिमम हाइट फर्स्ट, ए और बी? सोच के बताना. ए, सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए आप, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा बाय g, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मान लो दोनों को t0 पे आपने प्रोजेक्ट किया, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगेगा u sin थीटा बाय g, और थीटा b के लिए ज्यादा है तो टाइम भी b के लिए ज्यादा होगा, तो b अपनी मैक्सिमम हाइट पे लेट पहुंचेगा एज कंपेयर टू ए. क्या ये चीज क्लियर है सबको? बट दोनों की रेंज तो सेम होगी, ये तो श्योर है. ठीक, सो ये भी लिख ही लेंगे हम लोग. सो फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम. चलो याद अभी दिला दिया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं. सो फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम. नोट डाउन करो सब लोग, अब से जो जो मैं बोल रहा हूं तुरंत नोट डाउन कर लो. फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम बट एच मैक्स विल बी डिफरेंट. ये पता होना चाहिए सबको, मे बी डिफरेंट. अच्छा, क्या कोई ऐसा एग्जांपल दे सकता है जिसमें एच मैक्स भी सेम हो और रेंज भी सेम हो? हाँ, 45, वेरी गुड. अगर आप एक पार्टिकल को 45 करते हो, दूसरे को भी 45 करते हो, तो रेंज भी सेम आएगी, एच मैक्स भी, इसलिए मैंने मे बी डिफरेंट लिखा है. मस्ट भी आप बोल सकते हो, बस एक्सेप्शन ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट 45 डिग्री, तब मस्ट लिख लेना है. पर एक भी एक्सेप्शन है तो मे बी लिखा जाता है, इतनी इंग्लिश सबको आती आई हो. बोलो क्लियर है? यहां तक नोट करो फटाफट. नोट करके हो जाए तो डन लिखो. चलो देखते हैं तुमको कितना ट्रिग्नोमेट्री आता है. आई एम गिविंग यू फोर एंगल्स, ठीक, अपने कॉमन सेंस से कंपेयर करके मुझे बताना रेंज को, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना. अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है? ये हमने समझ में आ गया सर, साइन टू थीटा जो है वो इक्वल आएगा आपका. जैसे सपोज आप 30 डिग्री एंगल लेते हो और 60 मैंने एग्जांपल ले लिया, आप कुछ और भी लेके चेक कर लो, आप 15 और 75 लेके चेक कर लो, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें भी रेंज सेम आएगी. बिकॉज 15 में साइन टू थीटा बनेगा साइन 30, साइन 30 इज हाफ, ठीक, दिमाग में सोल्व करो. और जब आप एंगल 75 लेंगे बी पार्टिकल का, तो उसमें आपका बनेगा साइन 150, एंड साइन 150 इज इक्विवेलेंट टू साइन 30, दैट इज अगेन हाफ. बोले चीज क्लियर हो रही है? मतलब कितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर देखो, आपको रेंज सेम मिलेगी हमेशा.
क्या ये चीज क्लियर हो रही है? बोलिए, आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। कुछ भी डाउट है तुरंत पूछो। ठीक, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैं पूछता हूँ, बच्चों वाला सवाल है। आज अच्छे क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे या बीच में बस कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने से पहले एक क्वेश्चन और है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से आपने दो पार्टिकल्स को, अलग अलग पार्टिकल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्ट किया? मतलब एक को अगर थीटा पे प्रोजेक्ट किया, जिसको नहीं पता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, एक को अगर आप थीटा पे कर रहे हो, क्या दूसरे को आप 90 माइनस थीटा पे करेंगे? यस और नो? क्या उसमें भी रेंज सेम होने के लिए, सर एक चीज तो श्योर है, उनकी इनिशियल स्पीड भी सेम होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस है, ये तो समझ में आ रहा है कि सर आप यू ही डिफरेंट ले लेंगे, भले ही आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्ट करवा दें, आप यू अगर डिफरेंट ले लेंगे तब भी रेंज सेम नहीं होगी। ये दिमाग में क्लियर है? तो बच्चों वाली चीज है, पर गलती हो सकती है। आप खुद सोचो, अगर आप ये स्पीड ही अलग अलग ले लेंगे तो रेंज सेम आ ही नहीं सकती ना। ठीक है, तो दिमाग में होना चाहिए कि फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, तब आपकी रेंज जो है वो सेम होगी। ये वो मैंने नहीं लिखा है, वो मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। बोलो, क्लियर है वो चीज? क्लियर है सबको? यू मस्ट बी सेम ना। यू अगर आप यू ही डिफरेंट ले लेंगे, रेंज कभी सेम आ ही नहीं सकती कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ठीक, सो एक क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मुश्किल क्वेश्चन, मतलब मुश्किल वाला कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर करेगा। लेट्स से आई एम प्रोजेक्टिंग फोर पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी विद सेम स्पीड यू, बट विद डिफरेंट एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल। कितने कितने एंगल्स हैं? 30, 35, 40 एंड 60। 40 थोड़ा अजीब लगेगा, आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने मत बैठ जाना। साइन 80 निकालने लगेंगे आधे लोग कि सर साइन 2 थीटा होता है, थीटा 40 दिया है तो साइन 80 निकालना पड़ेगा। स्पीड स्पीड सेम है। लेट्स से रेंज ऑफ पार्टिकल ए इज R1, रेंज ऑफ पार्टिकल बी इज R2, रेंज ऑफ पार्टिकल सी इज R3, रेंज ऑफ पार्टिकल डी इज R4। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज R1, R2, R3 एंड R4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सोच के करना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो कि एंगल जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे क्या होगा। अच्छा, विच वन इज हाईएस्ट, मतलब विच वन विल बी मैक्सिमम, ये तो बताओ पहले जल्दी। ऑर्डर ऑर्डर बाद में देखेंगे। प्रथमेश का आंसर आया R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 इज इक्वल टू R4। बाकी लोग अभी बताता हूं सही है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक, मैथ वाले लोग अगर ये गलत करेंगे मतलब वो मैथ भी नहीं आता फिर उनको। सिंपल सा कंपैरिजन करना है, यू तो सेम है, डिनोमिनेटर का जी सेम है, बस यू हैव टू कंपेयर साइन 2 थीटा। बस जिसके लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा उसके लिए आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। सिंपल, जल्दी बोलो, चार लोग आंसर लिख रहे हैं। ऑर्डर अरेंज करो जैसे प्रथमेश ने लिखा वैसे ही बताओ, क्या वही आंसर है या कुछ अलग है तो वो लिखो। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 इक्वल टू R4, R1 इक्वल टू R4 लेस देन R2 लेस देन R3, मतलब तुमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। रंजीत, लास्ट में R4 है क्या? दो दो बार R1 लिख दिया। जल्दी, 5, 6, 7 लोगों का आंसर आया है। चलो एक जल्दी करो। जल्दी करो। चलो देखो, दिमाग में सोचना है, मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैथ वाले हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। क्या 30 और 60 के लिए तो रेंज सेम होगी सर? बोलो, क्या 30 और 60 के लिए रेंज सेम होगी? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, मतलब R1 मस्ट बी इक्वल टू R4, ये तो मेरे को श्योर है। ठीक, R2 R3 में सर कैसे कंपेयर करें? ये तो ऐसे एंगल्स है जो हमने कभी सुने नहीं है। 35 डिग्री पता नहीं क्या वैल्यू होती है, 40 डिग्री पता नहीं क्या वैल्यू होती है। मैंने वैल्यू पूछी नहीं है आपसे, मैंने सिर्फ कंपैरिजन करने को बोला है आपसे। तो देखो, आप ध्यान से,
जब आप R1 की बात करेंगे, और मैं R4 की बात नहीं करूंगा क्योंकि R1 R4 एक जैसे ही है, मैं एक ही की बात कर रहा हूं। तो R1 में आपको मिलेगा sin 60, बिकॉज sin 2 थीटा आता है अंदर। U2/g की टर्म सबके लिए सेम है इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूं। R2 में आपको मिलेगा sin 70। अच्छा अब ये तो बता दो, sin 70 ज्यादा होता है या sin 60? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एज द एंगल इंक्रीजेस साइन ज्यादा वैल्यू देता है आपका, सबको पता होगा। तो sin 70 ज्यादा वैल्यू देगा, तो ये तो श्योर हो गया सर। R2 बड़ा होगा R1 से, ये तो एकदम श्योर है। और R4 के इक्वल होगा R1, ये भी श्योर है। बस अब R3 कंपेयर कर लेते हैं। R3 में क्या आएगा आपका? वो आएगा भाई sin 80 डिग्री, और 80 और ज्यादा होगा, मतलब R3 सबसे ज्यादा होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 इक्वल्स टू R4। क्या ये चीज क्लियर है? फटाफट बताओ। यस, सो कैन आई से कि सर आपका जो थीटा होगा, 2 थीटा नहीं, बट इन केस ऑफ कॉस, कॉस तो डिक्रीज करता है ना, एज एंगल इंक्रीजेस कॉस आपको छोटी वैल्यूज देने लगता है, पर कॉस तो आता ही नहीं है ना फॉर्मूला में, रेंज के फॉर्मूले में कॉस आता ही नहीं है, तो उससे हमें क्या मतलब है? कॉस कुछ भी दे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो रेंज के फॉर्मूले में sin 2 थीटा हमको चाहिए, साइन चाहिए, कॉस से क्या मतलब है हमको? या उल्टा अगर आप कन्वर्ट करोगे तो sin 60 विल बी cos 30, sin 70 विल बी cos 20। आप उल्टा भी कंपेयर कर सकते हो, sin 80 विल बी cos 10, तो cos 10 तो हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली, वहां से भी कंपेयर कर सकते हो। शांतनु समझा? देखो, सो कैन आई से, सुनना ध्यान से और बताना यस और नो, कैन आई से कि सर आपका जो थीटा होगा, 2 थीटा नहीं, थीटा जो होगा वो 45 के जितना पास होगा रेंज उतनी ज्यादा होगी? यस यस, मतलब मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो 45 के जितना पास आपको दिखेगा रेंज उतनी ज्यादा होगी। मतलब सपोज अगर मुझे कुछ ऐसा रैंडम एंगल दे दे बहुत अजीब सा, लेट से एक पार्टिकल ए को मैंने थीटा वन लेट से 43 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ठीक, और थीटा टू मैंने प्रोजेक्ट किया लेट से 48 डिग्री पे, तो R1 ज्यादा होगा या R2 बताओ? स्पीड सेम है दोनों पार्टिकल्स की। देखो इतने अजीब अजीब एंगल दे दिया, अब आप कैलकुलेट थोड़ी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। सो R1 विल बी ग्रेटर देन R2 बिकॉज 43 45 के क्लोजर है आपका। बोलो क्लियर हुई ये चीज? तो ये अपने दिमाग में फिट कर लो। बोलिए क्या सबको क्लियर? यस। अच्छा अगर मैं थीटा टू को ये लेता 47 डिग्री, तब क्या रिलेशन होता दोनों में? बोलिए इक्वल। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, यहां तक 2D मोशन सबको क्लियर? इजी लग रहा है? इजी लग रहा होगा ना अभी तक? अभी अभी असली समझ में आएगा, अभी एक दो दिन रुको, अभी तो स्टार्टिंग के दिन है इसलिए मैं मुश्किल नहीं लेके जा रहा हूं, टेंशन मत लो, अभी बहुत मुश्किल है, मतलब दिमाग लगाने वाला, दिमाग लगाओगे तो मुश्किल चीजें भी आसान लगेगी। ये नोट कर लो, नोट हो गया सबका? नोट हो गया है तो डन लिखो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन, वेट, जल्दी करो आयुष। साथ साथ लिखना चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें, यहां मैं कुछ समझा थोड़ी रहा, ये तो साथ साथ आपको होना चाहिए, तो आपको खुद भी समझ में आ ही रहा होगा, तो साथ साथ नोट कर लिया करो। सर मतलब 45 एंगल के पास सेम वैल्यू पे है इसलिए इक्वल है ना? आप ऐसा भी समझ सकते हो या ऐसा भी समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे वो दोनों, 43 और 47 जो मैंने लिखा था, दोनों का सम करो 90, और मैंने कंसेप्ट लिख दिया ना यहाँ पे, फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, मैंने लिखा नहीं है, दिमाग में होना चाहिए, रेंज विल बी सेम। तो 43 एंड 47 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना, ये ऐसा भी समझ सकते हो 43 45 से दो कम है और ये दो ज्यादा है, तो मतलब 45 के दोनों पास में ही है, इक्वली पास में, बस ये दो कम है ये दो ज्यादा है इसलिए रेंज सेम आएगी, या कॉम्प्लीमेंट्री के फंडे से भी समझ सकते हो। क्लियर है क्या?
ऊपर जिसने वेट लिखा था आयुष हुआ क्या? आयुष हुआ अरे हुआ भाई, कहाँ गायब हो गया तू? अरे कहाँ गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं। हुआ कि नहीं? डन, चलो इसको मैं रेज ही कर देता हूँ। ये फालतू का सवाल है तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक, चलिए। तो आई होप यहां तक जितना सबने पढ़ा है मतलब सब कुछ क्लियर हो गया होगा एकदम। धीरे धीरे और लेवल पे चलेंगे, अभी तो बस बेसिक ही करवा रहा हूं मैं। चलो अब फोर्थ चीज देखते हैं। तीन चीजें अभी तक हम देख चुके हैं, कौन कौन सी सर? टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मेजर हेडिंग है आपकी, उसके अंदर हमने फर्स्ट देखा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। सेकंड हमने देखा है मैक्सिमम हाइट, या सिर्फ एच भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी। थर्ड हमने देखा रेंज, सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फिर हमने रेंज की कुछ चीजें देखी, कुछ आपकी कंसेप्ट देखे यहाँ तक इस स्लाइड पे, और फिर यहाँ पे हमने जो आज एक ने पूछा था क्वेश्चन वो हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या सर रेंज सेम होती है, तो हमने प्रूव कर दिया कि सेम होती है। ठीक, अब फोर्थ चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लेट्स से डी बोल देते हैं। चलो इसको अब ध्यान से यहां से सुनते जाना, बहुत ध्यान से चीजें समझना। अब यहां से थोड़ा सा आपको वेक्टर में घुसना पड़ेगा। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट टी, एनी टाइम टी, सॉरी, किसी भी टी टाइम पे आपसे वेलोसिटी मांगी है, लेट्स से टी जीरो पे मांगी है, तो आप क्या बोलेंगे? सर टी जीरो पे तो मुझे वैसे ही पता है, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, यू साइन थीटा वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, ठीक है। या किसी जनरल टी टाइम पे मांगी है वेलोसिटी आपसे, वो कैसे निकालेंगे? आप समझना ध्यान से, क्या आपको किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए तो आपको उसके दो दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, यस और नो? वीडियो क्लियर है क्या? नॉट, बोलो यस। बिकॉज सर मुझे एक चीज पता है कि मैं यहां पे डायग्राम भी आपके लिए बना देता हूं। हाँ देखो, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। पार्टिकल को मैंने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया विद सम स्पीड यू, और टी जीरो पर प्रोजेक्ट किया ऑब्वियसली एट एन एंगल थीटा। तो कैसा प्रोजेक्टाइल करेगा ये? ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, छोटा सा ही मैंने बनाया, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, क्या रेंज होती है, एच मैक्स क्या होती है, सब हम पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अब कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये आपको वेलोसिटी मिलेगा, ये सबको पता है कि नहीं? पाथ पे आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी मिलती है, ये पता है? ठीक, चलिए अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो सर मान लो मुझे यहां पे पूछा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज कुछ भी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो सर मुझे ए पे वेलोसिटी निकालने को बोला है क्वेश्चन में, और बोला गया है कि ए पॉइंट पे वो 1 सेकंड में पहुंचता है, लेट्स से टी इज इक्वल टू 1 पे, टी 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और टी वन पे वो ए पॉइंट पे पहुंचता है, तो आपसे पूछा है बताओ वेलोसिटी कितनी है ए पॉइंट पे, क्या यू के इक्वल होगी या लेस देन यू मोर देन यू, क्या होगी सोच के बताना? ए पॉइंट पे वेलोसिटी विल दैट बी इक्वल टू यू, लेस देन यू और मोर देन यू? लेस, लेस देन यू, लेस देन यू। ठीक, कैसे निकालेंगे? थोड़ा दिमाग में सोचो, दिमाग पे थोड़ा आप जोर डालना स्टार्ट करो थोड़ा सा। ठीक, देखो क्या सर अगर मुझे ए पे पूछी है, लेट से ए पे ये वेलोसिटी है, लेट से क्या यही होगी? टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, ये सुंदर सा टेंजेंट। अच्छा मेरी ड्राइंग ऐसी है तो तुम समझ लेना, दिस इज वी ए, वेलोसिटी एट ए। क्या इसके दो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं सबको, एक ये और एक ये, हाँ या ना? क्या दो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है पूरी क्लास से, इसको मैं लेटर ऑन क्लियर करूंगा, मतलब इसी टॉपिक में क्लियर कर दूंगा, सोच के बताना ये चीज।
क्या ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ वही थीटा एंगल बनाएगी जो इनिशियल वेलोसिटी बना रही है? इनिशियल वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, क्या ए पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ सेम थीटा एंगल? सोच के बताना, सब लोग फिर से हाँ लिख रहे हैं बिना सोचे समझे। एंगल थीटा सेम रहेगा? अरे यार लॉजिकल चीज है, थीटा सेम कैसे हो जाएगा? तुम लोग सोच नहीं रहे हो। अच्छा चलो ये तो बताओ, हाईएस्ट पे थीटा कितना है? थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। हाईएस्ट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? जीरो बना रही है, पर प्रोजेक्ट तो आपने थीटा से किया, तो थीटा सेम कैसे हो रहा है? डिक्रीज हो रहा होगा ना लगातार। नहीं समझा? नहीं समझा? क्या मैं एक चीज लॉजिकली बता सकता हूं, मैं प्रूव भी करूंगा, क्या मैं एक चीज लॉजिकली बता सकता हूं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल द हाईएस्ट पॉइंट द एंगल विच द वेलोसिटी मेक्स विद एक्स एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस, वो थीटा नहीं रहेगा हर बार। नहीं समझा किसी को? हिंदी में बताता हूं, हिंदी में बताता हूं क्या बोला मैंने। मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी आप देखेंगे, जरूरी नहीं आप सिर्फ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पे बात करें, बीच के किसी भी पॉइंट पे आप देखो वेलोसिटी जो, एग्जांपल कैसे दूं मैं इसमें, चलो देता हूं, वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। हाँ ये भी समझ सकते हो, टेंजेंट, टेंजेंट को जब आप एक्सटेंड करोगे कि एक्स एक्सिस के साथ छोटा छोटा एंगल बनाता जाएगा, एंगल डिक्रीज करता जाएगा, दिख रहा होगा आपको। बोलो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जब आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसको पीछे लेके जाएंगे कि एक्स एक्सिस के साथ छोटा छोटा एंगल बनाता जाएगा, मतलब एंगल डिक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको, दिमाग में सोच के देखो। तो कैसे बोल दिया तुम लोगों ने कि थीटा आपका वो होगा, थीटा सेम रहेगा सर? क्लियर हुआ? अभी मैं मैथमेटिकली तुम्हारे सामने अभी प्रूव करता हूं, चलो मैं बाद में बताने वाला था, अभी प्रूव करता हूं। मैथ वाले होके तुम लोग ऐसे सब करते हो ना तो सही नहीं लगता है। मेडिकल वाले करें समझ में आता है, चलो उनको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उतनी नहीं आती है, तुम लोगों को तो आती है। कैन आई से, कैन आई टेक दिस एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल एज डेल्टा? अरे थीटा तो नहीं, चलो मैं प्रूव करता हूँ थीटा नहीं होगा, डेल्टा लेके प्रूव कर दूं? बोलो क्या, डेल्टा लेके प्रूव कर दूं? ठीक, प्रूव करता हूं, चलो मैं, डेल्टा विल नॉट बी इक्वल टू थीटा, और प्रूव करता हूं डेल्टा थीटा से छोटा होगा। चीजें समझो, फिजिक्स में घुसो, फिजिक्स मजा आएगा, बहुत मजेदार है फिजिक्स। देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू थीटा मैं प्रूव करता हूं, मतलब मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा, और किसी रेंडम जगह पे वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल सेम नहीं होते, जैसा पूरी क्लास लिख रही थी, यस 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 सेम होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सुनो, क्या एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा हर जगह? एग्री करते हैं सब लोग? क्या एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा हर जगह? एग्री करते हैं? ठीक, चलो एक्स कॉम्पोनेंट सेम करो ओ पे और ए पे, क्या मुझे ये इक्वेशन मिलेगी? दिमाग में सोचना और सोच के बताओ हाँ या ना, क्या एक्स कॉम्पोनेंट को इक्वल करके ये इक्वेशन मिलेगी? वेक्टर से लगाओ, बोलो पूरी क्लास, एक्स कॉम्पोनेंट, इनिशियल एक्स कॉम्पोनेंट कितना है? यू कॉस थीटा। सर किसी भी जगह पे यू कॉस थीटा होगा, तो ए पे एक्स कॉम्पोनेंट कितना है? वीए का कॉम्पोनेंट ले लो सर, तो ये एंगल मैंने डेल्टा माना है, तो वीए का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा आएगा? वीए कॉस डेल्टा, मुझे नहीं लगता ये किसी को डाउट होगा। और ये कितना आएगा? वीए साइन डेल्टा। बोलो ये इक्वेशन कैसे लिखी, ये क्लियर हुई? सब लोग नहीं बोलते हो यार तुम लोग, ये इक्वेशन क्लियर हुई? नहीं हुई तो पूछो, क्लियर? अब मुझे बताओ क्या डेल्टा और थीटा को सेम होने के लिए, लेट से मान लो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सर डेल्टा इज इक्वल टू थीटा, मतलब दोनों जगह एंगल सेम बना रहा है वेलोसिटी, मान लेते हैं तुम्हारी बात, तो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू वी ए आ जाएगा। क्या होता है, मतलब यहां पे जो स्पीड है ओ पॉइंट पे वही ए पॉइंट पे स्पीड है? ये तुम लोगों ने एग्री किया था कि सर स्पीड तो अलग अलग होती है दोनों जगह और डिक्रीज होती जाती है, क्या यू एंड वी ए आर इक्वल, हाँ या ना?
यू मतलब इनिशियल स्पीड, टी जीरो पे स्पीड, वी ए मतलब ए पॉइंट पे नेट स्पीड, इक्वल नहीं है, कौन ज्यादा है यू या वी ए? यू ज्यादा है, सब एग्री करते हैं, मतलब नीचे मैं लिख रहा हूं, मैथ लगाओ थोड़ा सा, एज यू इज ग्रेटर देन वी ए, क्या प्रोडक्ट को सेम करने के लिए कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन कॉस डेल्टा, यस और नो? मैथ लगाओ थोड़ा सा, अगर मुझे दोनों का प्रोडक्ट सेम चाहिए, यू कॉस थीटा वी ए कॉस डेल्टा के इक्वल चाहिए और यू बड़ा है वी ए से, तो कॉस थीटा छोटा होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट सेम आ सकता है, यस? और आपको पता है कॉस अगर छोटा है तो एंगल ऑब्वियसली बड़ा हुआ होगा, क्योंकि बड़े एंगल पे कॉस छोटी वैल्यू देता है, मतलब यहां से मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं कि थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीच के किसी पोजीशन पे वेलोसिटी जो एंगल बना रही है। और दिमाग में आप सोचा, तुम्हें और क्लियर होगा कि सर जब हाईएस्ट पे जाता है पार्टिकल तब आपकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होती है, ग्रीन से बना रहा हूं मैं, हाँ, जब हाईएस्ट पे जाता है तब आपकी सर वेलोसिटी कुछ ऐसी होती है, और हॉरिजॉन्टल के साथ देखो कितना एंगल बना रही है, जीरो, तो एंगल घटते डिक्रीज होते 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 कितना हो गया, जीरो। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ पूरी क्लास को? सो टिल एच मैक्स, मैं जनरल स्टेटमेंट ही बना देता हूं, टिल एच मैक्स क्या होगा आपका, द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल या विद एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, the angle which the velocity is making with horizontal decreases continuously. बोलो क्या पूरी जनता को ये क्लियर हुआ? स्पीड डिक्रीज होती है, एंगल भी डिक्रीज होता है आपका, बोलो क्या सबको ये क्लियर हुआ? अच्छा फिर क्या हाइएस्ट से लेके उस पॉइंट तक जब ये ग्राउंड को टकराया, क्या फिर से आपकी स्पीड जो है वो, सॉरी एंगल जो है वो फिर से इंक्रीज होने लगेगा हॉरिजॉन्टल के साथ? और क्या सिमेट्री की वजह से जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है क्या वो हॉरिजॉन्टल पे सेम थीटा एंगल बना देगा जो इनिशियली बना रही थी वेलोसिटी? यस, बस फर्क क्या होगा वो दिमाग में क्लियर रखो, अपवर्ड जर्नी में बस वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड में वही वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव में आ जाएगा, बस एक्स कॉम्पोनेंट की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं है, वो तो थ्रू आउट द मोशन अनचेंज्ड है। बोलो ये चीज क्लियर है? क्लियर, चलिए वापस आते हैं इस पे, अभी और चर्चा भी करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लेना। चलो वापस आते हैं डी पॉइंट पे। सो डी पॉइंट वॉज वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है एट एनी टाइम टी, तो सर आप इसमें क्या करो, मैंने अभी अभी एक चीज ऑब्जर्व की या डे वन से ही मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सर कहीं पे भी आप वेलोसिटी मुझसे पूछेंगे तो उसके दो दो कंपोनेंट्स मुझे हमेशा दिख रहे हैं, एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट, वहां केवल एक ही कंपोनेंट आपको दिखता है विच इज हॉरिजॉन्टल, ये सबको पता होगा, ठीक है? तो सर आप क्या करो, एक्स कंपोनेंट अलग से निकाल दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई कंपोनेंट आप अलग से निकाल दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों को आप वेक्टर फॉर्म में एड कर दो, यू विल गेट नेट वेलोसिटी, यस और नो? क्या ये करना सही होगा कि x component of velocity सर आप as a function of time निकाल दो, y component of velocity as a function of time निकाल दो, दोनों को vector form में आप add कर दो, you will get net velocity at any point, at any time t, सही है ये चीज? अच्छा चलो, सब लोग बोल रहे हैं कि हमको अभी तक सब क्लियर हो गया है, चलो एक चीज सोच के बताओ, क्या x component of velocity will depend on time, yes or no? No, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे टाइम पे डिपेंड कर सकता है, वो तो हमेशा कांस्टेंट है तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन टाइम? यस, वो टाइम पे डिपेंड करेगा क्योंकि सर वो चेंज होता है आपका टाइम के साथ, है ना? हाईएस्ट तक मतलब यू साइन थीटा बाई जी टाइम पे आपका वाई कॉम्पोनेंट जीरो बन जाता है। बोलो चीजें क्लियर हो रही है? बोलो क्या सबको चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक। सो अब मैं फाइंड, अभी नोट नहीं करना, अब मैं फाइंड करता हूं किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी। अरे यार मतलब पूरी
पूरी रामायण खत्म हो गई, अब तुम लोग पूछ रहे हो भाई एक्स कॉम्पोनेंट इज कॉन्स्टेंट, 50 बार मैंने ये चीज बता दी होगी। अरे भाई एक्स कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट क्यों नहीं होगा, एक्स में कोई एक्सेलरेशन है क्या, ए एक्स है क्या कुछ, या जीरो है एक्स, ए एक्स जीरो है या नहीं है, ए एक्स इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जीरो है, जिन दोनों ने डाउट पूछा है पार्थ और ये, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है ना। अगर ए एक्स जीरो है, एक्सेलरेशन क्या हो, क्या करवाता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज करवाता है। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्या वेलोसिटी में चेंज इन एक्स डायरेक्शन वो पक्का जीरो होगा, ये तो काइनेमेटिक्स का बेसिक है, बोलो। अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो एक्स में आपकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, बोलो। चेंज ही जीरो है वेलोसिटी में एक्स डायरेक्शन में, तो क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होगी। अगर एक्स में वेलोसिटी चेंज होने लगी टाइम के साथ, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगी एक्स डायरेक्शन में, वो तो है ही नहीं। अरे बोलो दोनों लोग, अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, हाँ या ना। चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल ना, अगर चेंज ही जीरो है तो दोनों वेलोसिटी सेम होंगी ना, किसी भी टाइम पे आप देखोगे, बिकॉज चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। अरे बोलो, हाँ तो इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा सेम रहता है आपका, मतलब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तुम लोग अभी तक ये डाउट आ रहा है। चलो देखो देखो, कहना इसे लेट से किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी जनरल बोल देते हैं वी वेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे एक ए पे वेलोसिटी को वी ए बोल दिया था, अब जनरल बोल दो वी वेक्टर। कैन आई से वी वेक्टर कैन बी रिटन एज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, 1D में भी ये सब पढ़ चुके होंगे। मतलब सर आप उसकी एक्स में निकाल दो आई कैप लगा दो, वाई में निकाल दो उसके साथ जे कैप लगा दो, बोलो यस और नो, बोलो सब लोग यस। वी एक्स क्या है, उस पॉइंट पे एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी वाई क्या है, जिस पॉइंट पे आपसे मांगा गया वेलोसिटी वहां पे वाई कॉम्पोनेंट। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब टी टाइम पे निकालना है तो मतलब टी का फंक्शन मिलेगा कुछ तो। चलो सबसे पहले वी एक्स निकालते हैं, तो ये इक्वेशन यूज कर लो सर, क्योंकि यू एक्स तो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मैं इनिशियली क्या मेरा एक्स कॉम्पोनेंट है वो मुझे पता है, ठीक है। और मैं स्टडी मोशन कहां से कहां तक कर रहा हूँ, टी जीरो मतलब जहां से प्रोजेक्ट किया वहां से लेके किसी टी टाइम पे, ठीक है, वहां तक मैं स्टडी कर रहा हूँ मोशन। सो वी एक्स मुझे निकालना है, यू एक्स मेरा हो जाएगा यू कॉस थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्लस ए एक्स टी वाली टर्म आपकी हो जाएगी जीरो, सो वी एक्स विल बी यू कॉस थीटा। ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ, फिर से लिखवा दिया मैंने, बोलो ये चीज क्लियर हुई। मतलब x कॉम्पोनेंट तो u cos थीटा रहेगा, वो तो आपको बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो तो बिना सोचे समझे इनिशियली जो कॉम्पोनेंट आपको x में दिख रहा है हर जगह x में वही कॉम्पोनेंट होगा, सिंपल। अब सर y में निकालते हैं, चलो चलो x वाला तो समझ में आ गया सर सेम रहेगा, y वाला देखते हैं। सो वी वाई सर ये वाला यूज कर लो इक्वेशन, यू प्लस ए टी, बस अब कॉम्पोनेंट वाई वाले ले लो, ये टाइम पे डिपेंड करेगा देखना। तो वी वाई विल बी यू वाई दैट इज यू साइन थीटा एंड ए वाई माइनस जी साइन के साथ इंटू, तो ये हो गई आपकी किसी भी टी टाइम पे वाई में वेलोसिटी। बोलो ये क्लियर है यस और नो, जल्दी बोलिए क्लियर। अच्छा मान लो आपको ये जनरल अगर आप याद कर लें कि आप हर जगह हर टाइम पे वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अगर आप ये जनरल याद कर लें कि वाई में कितनी वेलोसिटी होती है एज ए फंक्शन ऑफ टी, बोलिए यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको बोला भाई बताओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वाई कंपोनेंट क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे टी को क्या पुट कर देंगे, जीरो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब मोशन स्टार्ट हुआ है वहां से, तो टी को जीरो डाल दो, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा, वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्लियर हुआ, हाँ के ना, और किस कोई आपसे पूछे बताओ भाई टी टाइम पे एक्स कंपोनेंट कितना होता है वेलोसिटी का, तो आप हंस के बोल देंगे वो तो कभी चेंज ही नहीं होता, वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो यू कॉस थीटा रहेगा, सिंपल। अच्छा चलो अगर आपसे हाईएस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट मांगे, सबको पता है जीरो होता है, पर इस इक्वेशन से अगर मैं निकालना चाहूं टी को कितना पुट करूंगा,
बोलिए, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहूं, टी को कितना पुट करूंगा? कैपिटल टी बाय टू। वेरी गुड, यू साइन थीटा बाय जी पुट करके देखो, वी बाय जीरो दिख रहा होगा आपको। और वैसे भी ये सारी चीजें आपकी कहां से आई हैं, उसको जीरो मान के ही तो आई हैं। ठीक, अच्छा, अगर आपसे जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है वहां पे मांगे, तो टी को सर कैपिटल टी डाल दो, तब भी आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, मैथ वाले लोग हो तुम, देखते तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं। तुम ऐसा कोई भी टाइम डालो जो यू साइन थीटा बाय जी से ग्रेटर है, कोई भी टाइम डालो, लेट से आप डालो 1.2, जो यू साइन थीटा बाय जी से ग्रेटर होना चाहिए, लेट से आप ये डाल दो 1.2 यू साइन थीटा बाय जी या 1.1 यू साइन थीटा बाय जी, चेक करो वी वाई नेगेटिव आएगा। मैथ लगाओ और बताओ। आप कोई भी ऐसा टाइम पुट कर दो जो यू साइन थीटा बाय जी से ज्यादा है, आपका वी वाई नेगेटिव आएगा, यस और नो? क्या लॉजिकल है? नेगेटिव आना चाहिए सर। सर आपने तो कोई बड़ी बात नहीं बताई है, ये तो लॉजिकल है, आना चाहिए नेगेटिव कि नहीं? यस, क्योंकि यू साइन थीटा बाय जी से बड़ा टाइम मतलब वो हाईएस्ट को क्रॉस कर चुका है, और जैसी वो हाईएस्ट को क्रॉस करेगा आपकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, वीडियो में दिख रहा है। जैसी वो हाईएस्ट को क्रॉस करेगा, लेट से ये हाईएस्ट था, इसके बाद ये ऐसा गया, तो जैसी वो हाईएस्ट को क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, तो उसका एक्स कंपोनेंट ये होगा, वाई नीचे आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सबको? तो वाई कंपोनेंट नेगेटिव में आ जाए। बोलिए, क्लियर ठीक? और आप ऐसा कोई भी टाइम डालेंगे जो यू साइन थीटा बाय जी से छोटा होगा, मतलब आप अभी हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, क्या आपका वी वाई पॉजिटिव आएगा? यस, डाल के देख लो, मैथ लगाओ। ठीक, चलिए तो डी खत्म करते हैं इस टॉपिक को। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो क्या मेरा जनरल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा? लेट्स से वी वेक्टर इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, सर वो बन जाएगा मेरा यू कॉस थीटा आई कैप, मतलब आई में ये वेलोसिटी दिखेगी मुझे, अनचेंज टाइम पे डिपेंड नहीं करती हुई दिखेगी, और जे में मुझे दिखेगी सर यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। बोलो क्या सबको ये क्लियर हो? बड़ा सा एक्सप्रेशन है पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। बोलो, सो दिस गिव्स यू वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान देना वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आई और जे लगाया ना मैंने। सब पूरी क्लास बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, अगर आपसे मैग्नीट्यूड मांगे कि बताओ भाई मुझे वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी निकाल लेंगे? सर ने वेक्टर में पढ़ाया होगा मैग्नीट्यूड निकालना। हाँ, क्या टी टाइम पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम स्पीड भी बोल देते हैं, क्या दैट विल बी अंडर रूट? बताना ये पता है कि नहीं? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा सा आएगा, वादे लोग इसी में डर जाएंगे, डरने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, क्या ये पता है सबको? दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, आई के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। आई होप सर ने ये वेक्टर में पढ़ाया होगा, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यस, बोलो डी पार्ट सबको क्लियर है, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब आपको किसी भी टाइम पे मांगे टी की वैल्यू पुट कर दो। बोलिए, क्या पूरी जनता को क्लियर है? यस और नो? क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अगर आपको बोले कि 1 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी जो है कितनी है, चलो वो तो आप बता देंगे, सर एक कंपोनेंट तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं बिना सोचे समझे यू कॉस थीटा डाल दूंगा हॉरिजॉन्टल वाला, बस मुझे निकालने की जरूरत होती है वाई कंपोनेंट, वो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को वाई में लगा दूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा, और दोनों का नेट कर दूंगा वेक्टर फॉर्म में तो मुझे नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया सर एकदम। पर आपसे ये सवाल नहीं है, आपसे पूछा बताओ भाई टी जीरो पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो मुझे चाहिए। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये तो हमने प्रूव कर लिया वो इनिशियल थीटा से छोटा होगा, ये हमने प्रूव कर लिया, पर एग्जैक्टली कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? कोई मुझे मैथ लगा के बता सकता है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
आपसे पूछा है कि किसी भी टी टाइम पे, मैंने तो जनरलाइज कर दिया कि टी को मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया कि टी को आप 1 सेकंड मान लो, या जनरल बोल देता चलो कि टी टाइम पे आपकी जो नेट वेलोसिटी आई है वी वेक्टर जो मैंने नीचे लिखी है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये निकालने को बोला है। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, मैथ है, बेसिक छोटा सा मैथ है। किसी को समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यू हैव टू फाइंड द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम टी। किसी को समझ में आ रहा है कैसे निकाल सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, मुश्किल नहीं है। वी एक्स बाय वी, वी एक्स बाय वी इज व्हाट? कॉस अल्फा, मतलब आपने अल्फा एंगल माना है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप बोल रहे हैं कॉस अल्फा विल बी, थोड़ा सा उल्टा बोला है तुमने, कॉस अल्फा विल बी उल्टा होगा ना, यू कॉस थीटा बाय वी होगा ना, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, जब आप ट्रायंगल इमेजिन करो। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अरे यार बच्चों वाली चीज है, तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो। वी एट एनी टाइम टी को वी एक्स के बराबर करके कॉस थीटा निकालना। देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बाय वी, बिल्कुल सही है। देखो इधर, लेट से किसी भी टी टाइम पे वो पाथ पे यहां कहीं था, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सिर्फ ये मैंने पाथ बना दिया। मान लो किसी टी टाइम पे यहां पे बैठा है, तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? ये टेंजेंशियल होगी। थोड़ा सा टेंजेंट अच्छे से बनाता हूं मैं इस बार, ये होता है टेंजेंट, सबको पता होगा ये। लेट से दिस इज वी वेक्टर, या वी बोल दो सिर्फ। ये वी कितना होगा ये निकालना आ गया सबको? हाँ या ना, पहले इस पे बात करते हैं, एंगल कितना बनाएगी वेलोसिटी वो बाद में बात करेंगे। ये वी कितना होगा ये निकालना आ गया सब? यस, ये पूरी डी सेक्शन में हमने, डी पार्ट में यही तो पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अरे पूरी क्लास बोलो, ये वी कैसे निकलेगा ये समझ में आया? समझ में आया सर, निकालने की जरूरत ही क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट तो मुझे दिख ही रहा है, यू कॉस थीटा होगा, डायरेक्टली लिख दो आप। वाई कॉम्पोनेंट मुझे यहां से मिल जाएगा, आ जाएगी नेट वेलोसिटी, वेक्टर सोल्व कर लेंगे। पर मेरा क्वेश्चन इस बार ये है कि ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। लेट से दैट इज डेल्टा, कुछ लोगों ने अल्फा बोला है, वो आपकी मर्जी है नाम में क्या रखा है। मेरा क्वेश्चन है पहला, डेल्टा और इनिशियल वाला थीटा सेम होंगे कि अलग अलग? ये तो आई होप सबको अब तक क्लियर हो गया होगा, जल्दी बोलो। आपके जो डेल्टा होंगे और थीटा होंगे सेम होंगे कि अलग अलग? अलग अलग होंगे। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि डेल्टा एग्जैक्टली होगा कितना, किसी ने नहीं बताया पूरी क्लास में, दो लोगों को छोड़ के। मतलब ये छोटी छोटी चीजें यार तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। देखो इधर, ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल को, क्या टेन डेल्टा, ट्रायंगल मैंने बनाया नहीं, अपने दिमाग में सोचो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सर। टेन डेल्टा, क्या टेंजेंट जो होता है, डेल्टा मैंने क्या पकड़ा है? एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल, मैंने डायग्राम में बनाया भी है। सो क्या टेन डेल्टा आपको दिखेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट? ये बचपन से पढ़ते आ रहे, ऑपोजिट क्या दिखेगा आपको? क्या इस टाइम पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यस और नो? कोस में जाओ ही मत ना, टेन में चले जाओ सीधा। सो क्या टेन डेल्टा आपको ट्रायंगल से ये दिखेगा? बच्चों वाली चीज है, वो भी तुम लोग नहीं बता पाए यार। बोलो क्या आपको ट्रायंगल से टेन डेल्टा ये दिखेगा, यस और नो? ऑपोजिट दिमाग में सोचो, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या बनेगा इस ट्रायंगल में? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एडजेसेंट क्या बनेगा इस ट्रायंगल में? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिस वाज वी, दिस इज डेल्टा, और ये ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया। तो ये साइड क्या देगी आपको? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये साइड क्या देगी आपको? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो टेन डेल्टा क्या हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स। अरे नहीं समझा, बहुत बड़ी साइंस थोड़ी ना है, समझा कि नहीं? क्लियर? एग्जैक्ट एंगल आएगा, पर कैलकुलेशन बहुत अजीब होगी, अभी मैं बताता हूं। पर ऐसे सवाल आते नहीं है जनरली, पर आ गए तो आपको छोड़ना नहीं है। एग्जैक्ट एंगल निकालना थोड़ा सा हेक्टिक होगा इसमें, क्योंकि एंगल्स बहुत अजीब सा वैल्यूज देंगे आपको। क्यों आएगा? देखो
अब मैं इसको फर्दर राइट डाउन कर रहा हूँ, नोट डाउन कर मतलब लिख रहा हूँ, टेन डेल्टा दैट इज वी वाई, वी वाई मतलब इस जगह पे वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या वो आपको ये दिखेगा? और वी एक्स इस जगह पे एक्स कॉम्पोनेंट, सर वो तो मुझे पता ही है, बोलिए क्या ये आपको फाइनल इक्वेशन दिखेगी? सब लोग बोलिए क्या ये आपको फाइनल इक्वेशन दिखेगी? यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, मतलब क्या ये जो एंगल मैंने डेल्टा जनरल माना है क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? और क्या करना भी चाहिए? मतलब वो एंगल जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है दैट विल डिपेंड ऑन टाइम, बिल्कुल सर वो तो लॉजिकल चीज है, टी जीरो पे वो थीटा एंगल मिल जाएगा आपको और किसी और टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको एंगल कुछ और मिलेगा, पर एंगल तो चेंज होगा आपका, टाइम पे तो डिपेंड करेगा, देखो टाइम पे डिपेंडेंसी आ रही है। सो 10 डेल्टा विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी विच इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन वी एक्स विच इज यू कॉस थीटा। अरे पूरी क्लास को क्लियर हुआ? 9-10 लोग ही लिख रहे हो, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो क्लियर लिखो। क्लियर? अब ये थोड़ा सा अजीब क्यों होगा सोल्व करना, मैं बताता हूँ। देखो आपसे लेट से बोल दिया भाई यू की वैल्यू कितनी, इनिशियल स्पीड आपको लेट से 10 मीटर पर सेकंड दे दी, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो हम बोलते हैं वो आपको लेट से 30 डिग्री दे दिया या 37 दे दिया, जो भी दे दिया जी, आपको पता है 10 होता है, आपको बोला बताओ वेलोसिटी जो है वो 1 सेकंड पे कितना एंगल बना रही है, तो आप खुद सोचो जब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा भाई 10 डेल्टा वाली इक्वेशन यूज कर लो, रट्टा नहीं मारना है, कैसे आया फिजिक्स में कभी भी रटना मत चीजों को, हाँ फॉर्मूलाज वगैरह तो रटने ही पड़ेंगे आपको पर कंसेप्ट मत रटो, कंसेप्ट समझो कि 10 डेल्टा ये आया कैसे। आधे लोग पता क्या करते हैं, बस सर ने ये लिखवा दिया तो इसको याद कर लेते हैं, पहले समझो ये आया कैसे, याद तो करना ही है ऑब्वियसली, या नहीं भी याद करोगे आप डिराइव कर सकते हो, 1 मिनट लगेगा डिराइव करने में एग्जाम, ठीक है? तो आप टी को 1 डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे तो 10 डेल्टा, क्या पता कभी कभी बहुत अजीब आ जाए आपका, मतलब लेट से 10 डेल्टा 1/3 आ जाए, कभी सुना है 10 डेल्टा 1/3 मतलब किस एंगल पे 1/3 टेंजेंट देता है, कभी सुना है? नहीं सुना ना, तो इसलिए थोड़ी सी अजीब कैलकुलेशंस होती हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया या कहीं आपको शीट वगैरह में या सॉल्विंग करते वक्त दिखेगा तो आपको ऐसी डेटा देगा, ऐसा डेटा देगा वो, यू की ऐसी वैल्यू देगा, थीटा की ऐसी वैल्यू देगा, टाइम ऐसा देगा जिसमें 10 डेल्टा एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। लेट से ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 10 डेल्टा 1 मिलता है सॉल्व होके, तो 10 डेल्टा अगर 1 है तो बताओ वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है वहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ उस टाइम पे 45। तो ऐसे ऐसा डेटा आपको खुद देगा वो, जिस जो आप आसानी से निकाल सकते, किसी का तो ऊपर क्वेश्चन भाग गया। 10 डेल्टा एग्जैक्ट किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में लगेगा? ये लगेगा आपका जब आपसे डायरेक्टली बोलेगा T1 या T2 सेकंड पे आपको बताओ वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, तब तो ये वाला लगेगा 10 डेल्टा आपको, मतलब डेल्टा आपने क्या माना है उस टाइम पे वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, और क्वेश्चन में डायरेक्टली वो मांगा है कि आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, तो आपको फिर यही यूज करना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन में 10 इनवर्स हो सकता है, हाँ वैसा भी हो सकता है, मतलब आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा 10 डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टेंशन मत लो। आई होप सबको ये डी पार्ट क्लियर हुआ होगा, बोलिए। क्लियर? डेल्टा क्या है यहाँ पे वो लिख लीजिए, डेल्टा इज एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस एट एनी टाइम टी, मैं ऊपर लिख भी देता हूं, लेट वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल डेल्टा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब कैसे डेल्टा मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, नोट करो, कोई डाउट है वो पूछो, नोट हो जाए तो डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। वीडियो कोई भी डाउट है पूछो, सर ये कैसे किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कोई भी डाउट है
और डन हो गया लिख के, तो डन लिखो। फिजिक्स में इन्वॉल्व होना सीखो, मैंने डे वन पे बोला था, जितना ज्यादा फिजिक्स में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा फिजिक्स आएगी, ठीक है? सर ये क्या बार बार डेल्टा की बातें कर रहे हैं, क्या बार बार वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की बातें कर रहे हैं, वो सब समझो। डन सबका। ग्रीन लाइन क्या कर दूं, इरेज कर दूं क्या? ग्रीन लाइन इरेज कर दूं क्या? लो ये तो मैंने दोनों सेक्शंस को अलग करने के लिए, नहीं इरेज नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो, ये तो मैंने दोनों सेक्शंस को अलग करने के लिए लगाई थी, आराम से नोट करो, समझो। पर नोट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिजिक्स में नोट वर्ड तो होता रहेगा, फिजिक्स समझो पहले। असली फिजिक्स तो एनएलएम से स्टार्ट होगी, सब प्राण निकलने लगते हैं एनएलएम के बाद, ठीक है? डरा नहीं रहा हूं, बस आपको अभी से मैं वो कर रहा हूं कि अपना लेवल बढ़ाओ, अगर अभी उतना लेवल नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ाओ अपना लेवल। अभी स्टार्टिंग का एक दो महीना चल जाएगा, काइनेमेटिक्स में भी 10-15 दिन और लगेगा, है ना? मतलब जुलाई एंड तक ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है? तब तक आप इजी ले सकते हैं फिजिक्स को, पर इतना इजी भी नहीं है। अभी देखना कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम 2D में करेंगे अभी, और उसके बाद एनएलएम स्टार्ट होगा, ठीक है? उसमें देखना कितने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? और हाँ एक चीज और, मैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा वो इस चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा, 2D से। सर ने 1D में अगर करवाए होंगे तो ठीक है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 1D में बनते भी नहीं है उतने ज्यादा। 2D से मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर एंड होने के बाद, स्पेशली 1 से 2 लेक्चर में लूंगा एडवांस के क्वेश्चंस सोल्व करने क्लास में। मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग ट्राई करोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और घर से तो होमवर्क मिलेगा ही आपको घर के लिए। तो जिनको अटेंड करना है वही अटेंड करेंगे, जो झेल पाएंगे, ठीक है? ऐसा मत समझना आधे लोग वहीं पे पागल हो जाएंगे कि अरे बता तो अभी रुको, आधे लोग वहीं पे पागल हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, इतने मुश्किल क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो झेल पाएंगे लोग वही अटेंड करना वो लेक्चर्स। मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में सब करना, एक बार आइडिया लगेगा कि एडवांस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं फिजिक्स में, तो आपको समझ में आएगा कि एडवांस में और आपका जेईई मेन में लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। अटेंड सब लोग करना, नहीं समझ में आएगा तो ये मत सोचना कि हमसे मतलब फिजिक्स नहीं होगी, ये नहीं होगा, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप उस लेवल का नहीं कर पाएंगे, अपना लेवल थोड़ा सा कम है आपका, तो जेईई मेन के लिए करिए, पर स्टार्टिंग से जेईई मेन के पीछे मत भागिए, समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रही है जनता, ठीक है? एफर्ट्स डालोगे तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस खुद कर लोगे, उसमें क्या है, एफर्ट्स की जरूरत है बस। जितना ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन उतना ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर है आपके पास उतना लगाइए, मजा भी आएगा जब आपसे सोल्व होंगे, तारीफ की जाएगी आपकी सबके सामने। एचमैक्स वाला क्या नहीं समझा तुझे, ये बता आज क्या नहीं समझा एचमैक्स वाला, बोल के बोल, अनम्यूट किया हुआ है ना, बोल, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, 9:05 हो गया, बोलो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, बोलो एचमैक्स का क्या नहीं समझा? तो डीईसी है, बोलो सर, डीईसी के हॉरिजॉन्टल डीईसी कंटिन्यूअसली, व्हाट इज डीईसी? ये वाला टिल एचमैक्स द एंगल व्हिच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ये हां No, I didn't understood the statement properly. ठीक, अच्छा सब लोग ये बताओ, मतलब तुम ही बताओ, as angle increases, tan theta increases or decreases? As theta increases, tan theta increases or decreases?
बोलो, 9th 10th में पढ़े हो ना, सर इंक्रीजेस. इंक्रीजेस, नो डाउट. ठीक, अब देखो, दिस वॉज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम टी, एंड दैट एक्सप्रेशन इज टेन डेल्टा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा. ये क्लियर है तुमको? यस. ठीक. एज टाइम इंक्रीजेस, एज टी इंक्रीजेस, मतलब हम पाथ पे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो एज टी इंक्रीजेस, क्या यू साइन थीटा इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, यस और नो? बिकॉज यू इज इनिशियल स्पीड, थीटा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इज दिस अ यस कॉन्स्टेंट सर. क्वांटिटी? यस. डिनोमिनेटर इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, यू कॉस थीटा? यस. जी इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी? यस. यस. सो एज टी इंक्रीजेस, विल द न्यूमरेटर डिक्रीज? यस सर. यस, एज टी इंक्रीजेस न्यूमरेटर विल डिक्रीज बिकॉज यू साइन थीटा माइनस जी टी इज द न्यूमरेटर, एंड एज टी इंक्रीजेस ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी विद नेगेटिव साइन विल इंक्रीज, सो ओवरऑल वैल्यू विल डिक्रीज. क्लियर? यस सर. यस. सो एज न्यूमरेटर डिक्रीजेस एंड डिनोमिनेटर इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली, सो न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो विल टेन डेल्टा डिक्रीज? यस. ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, सो 10 डेल्टा विल डिक्रीज विद टाइम. सो इफ 10 डेल्टा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, विल डेल्टा डिक्रीज विद टाइम? यस सर. यस. सो डेल्टा वाज व्हाट? व्हाट डेल्टा वाज? द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल, विल दैट एंगल डिक्रीज एज टाइम पासिस? यस तो क्या लिखा है, समझा? यस सर. गॉट इट. किसी और थैंक को यू. कोई डाउट? अब मैं नोट करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, अब हो गया, बहुत देर से स्क्रीन लगी हुई है. किसी और को कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिखो यहां तक. क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और बताओ, चलो ई पार्ट पे चलते हैं. क्लियर सबको? ठीक. कोई भी डाउट है अनम्यूट किया हुआ है, पूछो. ई पार्ट पे चलते हैं. लेट्स से आपसे पूछा, चलो ठीक है, वेलोसिटी एकदम क्लियर होगी, कितना एंगल बना रही है, सब कुछ क्लियर हो गया एकदम. लेट्स से आपसे बोले आप निकालो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, वो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, कि किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल एक्स में भी डिस्प्लेस हुआ है और वाई में भी डिस्प्लेस हुआ है, यस और नो? यस. तो क्या ये निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा कि एस एक्स को आप अलग से निकाल लो एट एनी टाइम टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अलग से निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अलग से निकाल लो, दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, यू विल गेट नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी. क्या ये सही है? बोलिए, क्या ये चीज सही है? यस. सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी. तो फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए समझने के लिए. लेट से दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. क्या रेंज होती है, क्या एच मैक्स होता है, सबको पता है. एंड दिस इज ओरिजिन टी जीरो पे, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, एंड दिस इज इनिशियल स्पीड यू, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा. बार बार एंगल चेंज होगा वेलोसिटी का, वो हमने एकदम क्लियर कर लिया. आप कितना होगा आपको निकालना मैंने सिखा दिया, प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चंस अभी मैं नहीं दूंगा, अभी सिर्फ एक दो दिन और थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो. अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी. लेट्स से एट एनी टाइम टी, लेट्स से टी 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे, चलो इस बार थोड़ा डाउनवर्ड जर्नी में लेते हैं. आधे बोलेंगे सर हमेशा अपवर्ड जर्नी में ही पार्टिकल पकड़ते हैं, डाउनवर्ड में पकड़ लेते हैं उसमें क्या. लेट्स से पार्टिकल यहाँ पे किसी टी टाइम, ठीक, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए. आपसे पूछा, बताओ जब ये ए पे पहुंचा उस टी टाइम पे, किस टाइम पे पहुंचा? टी टाइम पे, और टी जीरो पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ. तो जब पार्टिकल इस ए पॉइंट पे पहुंचा टी टाइम पे, आपसे पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या ये होगी नेट डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, में बताना. सर हमने डिस्प्लेसमेंट, हमें पीयूष सर ने पढ़ाया इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्ट आप वेक्टर जॉइन करोगे, या हमें लोअर क्लासेस में भी ये तो पढ़ाया गया है. क्या
क्या ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, यस और नो? अच्छा, क्या आपने ट्रायंगल में एक लॉ पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? यस। चलो अब उस पर थोड़ा सा चलते हैं, मुझे लग रहा है आधों को क्लियर हो गया होगा अभी से, मेरे बिना बताए भी क्लियर हो गया होगा। देखो, क्या मैं इसको एस एक्स बोल सकता हूं? इसको कैन आई से दिस एज एस एक्स वेक्टर, मतलब टी टाइम पे एक्स में डिस्प्लेसमेंट, एस वाई क्या बनेगा टी टाइम पे वाई में डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या ये दिखेगी? बोलिए, ध्यान से आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, मतलब ऑपोजिट आपका है। सो कैन आई से एस एक्स वेक्टर एंड एस वाई वेक्टर का रिजल्टेंट ही एस वेक्टर होगा? यस और नो? व्हेन टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विच इज इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये पता है सबको, दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पता है? बोलिए क्या ये पता है? अच्छा, सो कैन आई राइट, सब लोग बोलना, सर मुझसे आपने टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मांगी है, सो आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स में डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं एस एक्स बोलता हूं, आई कैप लगा दो सर उसके साथ, और वाई में डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं एस वाई बोलता हूं उसके साथ जे कैप लगा। बोलो, कैन आई राइट दिस इक्वेशन? ठीक। अच्छा सर, एस एक्स एस वाई निकाले कैसे? निकाल लो, सिंपल। एस एक्स कैसे निकाले? बोलिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे एस एक्स टू फाइंड एस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी? शांतनु बोल रहा है सेकंड, सब लोग एग्री करते हैं क्या? क्या सेकंड में मुझे सारी चीजें अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल है। सो एस एक्स इज यू एक्स, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, टी टी डाल दो, जनरल टाइम, मुझे तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही चाहिए, और ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज ए एक्स इज जीरो। सही है, हो गया। सिमिलरली एस वाई क्या आएगा आपका, निकाल लीजिए सर वो भी। सो एस वाई विल बी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी हो गए, देख के सबको लग रहा होगा, पर अगर एग्जाम में आया कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा नो डाउट, पर करना पड़ेगा। सो एस वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी u sin theta because u y is u sin theta t, a y is minus g, that will become minus half g t square. So on combining these two you will get displacement at any time t in vector form, that will be u cos theta t i cap plus bada sa, darna nahi, u sin theta t minus half g t square j cap। बोलो क्या ये सबको क्लियर हुआ? ग्रीन दिख रहा है क्या सब? वैसे जनरली मैं ग्रीन से लिखता नहीं हूं, ग्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है, ठीक। चलो, अरे बोलिए क्या ये क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और दिख रही है तुम लोगों को, अगर किसी टी टाइम पे, सर ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म है, मतलब ये तो इस वेक्टर को बता रहा है, ये तो मुझे ये वेक्टर मिला ना सर, ये वाला, अगर मुझे मैग्नीट्यूड मांगे तब क्या? तब आप एक्स में मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लो, वाई में अलग से निकाल लो, क्या नेट विल बी इन मैग्नीट्यूड वाइज, क्या दैट विल बी अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर? यस और नो? अब मैं वो वैल्यू डालने नहीं जा रहा हूं, एस एक्स देखो कितना बड़ा है, तो दैट विल बिकम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर, और वो बन जाएगा u sin theta into t minus half gt square का whole square, बहुत बड़ा सा आएगा। डर तो नहीं लगा? आधे लोग तो इसी में प्राण निकल गए होंगे, अरे क्या हो गया है? लेंदी है तो है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, अब है तो है, डर नहीं लगा? बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या sx मेरा x कोऑर्डिनेट भी है? ये जो मैं बार बार एस एक्स बोल रहा हूं, क्या ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी तो बता रहा है ना, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ए पॉइंट ये जो मैंने पकड़ा है टी टाइम पे, क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है? और एस वाई क्या है, क्या वाई कोऑर्डिनेट? सर एस एक्स को आप एक्स भी बोल सकते हैं, एस वाई को आप वाई भी बोल सकते हैं, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मुझे,
और कोऑर्डिनेट। अच्छा तुम्हें एक चीज पता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है तुमको, शायद लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता हो, शायद पढ़ाया जाता है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथ लगाता हूँ। देखो लेट्स से ए पॉइंट यहाँ पे है, मैं पूरा पाथ नहीं बना रहा हूं मैं उसका, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट्स से पूरा पाथ आपको ऊपर बना के दिया है मैंने, ए पॉइंट, मैं सिर्फ ए पॉइंट बना रहा हूँ। क्या ए पॉइंट के आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हाँ या ना? ए पॉइंट पे वो टी टाइम में पहुंचा लेट से, क्या उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आप? हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट एस एक्स ही तो होगा और वाई कोऑर्डिनेट एस वाई होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूं तो? अरे बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आपसे क्या मांगा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो आप। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा सर, ये वेक्टर। ए को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं क्योंकि वेक्टर ऊपर चला गया, तो अपने हाथ में है सारी ड्राइंग, अपने हाथ में। क्या दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इतनी लेंथ, क्या इतनी लेंथ ये जो है, क्या ये आपको मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का? यस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपने बोला आप पढ़ चुके हो, जीरो जीरो से एक्स वाई का डिस्टेंस, क्या वो ये होता है? बोलिए क्या दैट इज लाइक दिस? ये मैं लोअर क्लासेज में लेके गया आपको, ये और ये एक ही चीज तो है, समझे? बोलिए, इसको मैं रेज कर रहा हूँ राइट साइड वाले को, तो मैंने ऐसी टाइम पास के लिए आपको सिखा रहा। बोलिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बोलिए जल्दी, क्लियर है तो पूरी क्लास क्लियर लिखो। आएगा नहीं वैसे बोल दो, ये आता नहीं है क्योंकि लेंदी पड़ता है, सबको दिख रहा है लेंदी है, पर क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि कैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला किसी भी टी टाइम पे, क्योंकि दो दो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स में भी चल रहा है वो वाई में भी चल रहा है। एस वाई क्यों नहीं समझा? एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया, वाई डायरेक्शन में यूज कर लो तो आपको वाई में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। UI क्या, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा। अरे बार बार तो हम ये यूज कर रहे हैं, s is equal to ut plus half at square। एक बार x डायरेक्शन में यूज किया तो मुझे x की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, एक बार y में यूज किया तो y की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बोलिए क्लियर है क्या पूरी क्लास को? 9:18 हो गया, इसको नोट कल करेंगे, टेंशन मत लो, कल क्वेश्चंस करेंगे देखना अच्छे। ऑलमोस्ट आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ चीजें और बची है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर पूरी जनता को? कोई भी डाउट है पूछो। सर हाफ ए वाई टी स्क्वायर जीरो क्यों है समझा नहीं। अरे यार तुम कहां, कौन सी डायरेक्शन में फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये सेकंड इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में यूज कर रहे हो? बोलो, ये जो आप सेकंड इक्वेशन ऊपर यूज किया आपने, ये कौन सी डायरेक्शन में यूज किया, एक्स में किया कि नहीं किया? किया तो ए आपने कौन सा लिया है, ए आपने कौन सा लिया है, ए आपने वो लिया है ना जो एक्स डायरेक्शन में, मतलब कौन सा लेना पड़ेगा जो एक्स डायरेक्शन वाला होगा? अरे एक्स में एक्सिलरेशन ही नहीं है, 50 बार तो मैं बता चुका, अगर एक्स में एक्सिलेशन नहीं है तो ये टर्म जीरो आएगी ना, कितनी बार ये चीज पूछोगे? कभी तुम लोग बोलते हो सर एक्स में वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है, सबका रीजन है कि एक्स में एक्सिलेशन ही नहीं है, तो ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्स भी जीरो लेना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो बार बार। बाकी जनता बताओ क्लियर है कि नहीं है चीज, क्लियर? अच्छा तुमने एक शब्द सुना है पुरानी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, 9:20 हो गया, लोअर क्लासेस में एक वर्ड सुना है तुमने या 11th में शायद सुन लिया हो, ट्रेजेक्ट्री, एक अभी पढ़ा हो डे टू डे लाइफ में, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? नहीं पढ़ा? ट्रेजेक्ट्री इज बेसिकली पाथ, पाथ पाथ, ठीक है? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अभी है, एफ भी बोल सकते हो आप, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ की इक्वेशन। बोलो ट्रेजेक्ट्री क्या समझ में आया?
बेसिकली अब हम पाथ की इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा पाथ कैसा है ये बताओ पहले तो मुझे, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल रहे हैं, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है क्या? पैराबोलिक, सबको पता है। और पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है सबको पता है सर, एक साइड डिग्री वन होती है, दूसरी साइड डिग्री टू होती है। और उसको मैं प्रूफ भी करूंगा कि हमारी जो इक्वेशन लास्ट में निकल के आएगी पूरी क्लास को इक्वेशन याद होनी चाहिए, मतलब कुछ और याद हो ना हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे आप दुनिया की हर चीज निकाल सकते हैं। पता है उससे मैं रेंज निकालना भी सिखाऊंगा तुमको, और तुम्हें क्लियर भी होगा कि हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सर ने रेंज कैसे निकाल दी। उससे मैं तुम्हें एच मैक्स भी सिखा दूंगा निकालना, सब उसे एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। करें स्टार्ट, अभी टाइम है मेरे पास 9 मिनट, हो जाएगा 9 मिनट में, सिंपल सा चीज है। अच्छा अब सुनो बहुत ध्यान से, सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है सुनना। क्या पाथ की इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, सिंपल शब्दों में बोला जाए ट्रेजेक्ट्री बेसिकली पाथ, क्या पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए सर मुझे एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए होगी? हाँ या ना? ऑब्वियसली बोलो यस। अच्छा क्या सर एक्स की इक्वेशन तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मेहनत ही क्यों कर रहे हो, एक्स की इक्वेशन तो ये है ना मेरे पास रेडीमेड, अभी अभी तो हमने पढ़ी ई पार्ट में, क्या ये है एक्स की इक्वेशन? क्या वाई की इक्वेशन भी अवेलेबल है मेरे पास? बिल्कुल, दैट इज दिस। बोलो ये सबको समझ में आया, किसी भी टी टाइम पे एक्स क्या है वाई क्या है ये समझ में आया? बोलिए जल्दी जल्दी। यस अच्छा, पर अगर मुझे पाथ की इक्वेशन लिखनी है तो सर आपको एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए होगी, अगर वो कुछ ऐसी बन गई, बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, तो मेरा पाथ कैसा होगा जल्दी बोलो। अगर y और x में कुछ ऐसी सोल्व होके आई तो मेरा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पर नहीं है स्ट्रेट लाइन ये सबको पता है, तो कुछ तो अजीब ही बनेगा आपका, बना के देखते हैं। क्या y और x में रिलेशन निकालने के लिए आई मस्ट एलिमिनेट t, क्योंकि अगर मैं t एलिमिनेट कर दूं तो मुझे y x में रिलेशन मिल जाएगा। बोलिए क्या y और x में इक्वेशन बनाने के लिए टी एलिमिनेट कर दिया जाए? बिल्कुल, टी को एलिमिनेट कैसे करें? सर आप इक्वेशन वन से टी की वैल्यू इक्वेशन टू में डाल दो, मैं सीधा डाल रहा हूं, आप दिमाग में सोचना कि सर ने सही लिखा है कि नहीं। देखो सो वाई विल बिकम यू साइन थीटा इंटू टी, और टी इक्वेशन वन से मैंने डाला एक्स बाय यू कॉस थीटा, ठीक? आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मैंने इक्वेशन वन से डाला, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सबको ये क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए जल्दी, क्या सबको ये क्लियर हुआ? अच्छा अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं हुआ इक्वेशन वन से टाइम, इक्वेशन वन से टाइम कितना आएगा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, क्योंकि मुझे एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए ना, तो टी एलिमिनेट कर दो आप, सो टी कितना आएगा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा आएगा, उसको आप इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स बाय यू कोस थीटा को इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर दो, देखो वही तो लिखा है मैंने। बोलो क्लियर जिसको डाउट है, ठीक। चलिए इसको मैं थोड़ा सोल्व कर रहा हूं, आप दिमाग में करो, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा बिकम्स टेन थीटा, सो वाई विल बी एक्स टेन थीटा माइनस न्यूमरेटर विल बी जी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। बोलो क्या सबको ये इक्वेशन क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो सबको याद होनी चाहिए। टेन एक्स लिखे तो मतलब ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जी क्या है, जी, यू क्या है, इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या इक्वेशन सबको क्लियर है? बोलिए क्या इक्वेशन सबको क्लियर है? पैराबोलिक दिख रही है क्या? सर आपने या पीयूष सर ने भी बताया होगा कि एक साइड अगर डिग्री वन है दूसरी साइड डिग्री टू है तो पैराबोलिक आपका पाथ होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो, पैराबोला की। देखो y की डिग्री वन दिख रही है और x की डिग्री उधर टू दिख रही है,
यू टेन थीटा चाहिए, कहाँ पे यू टेन थीटा चाहिए भाई, यू से यू कैंसिल नहीं हो रहा है, आपका दिख नहीं रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा बनेगा ना, और इंटू एक्स चल रहा है साथ में। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबको क्लियर है? 4 मिनट बाकी हैं, जल्दी बोलिए। यस, अच्छा कल मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये जो मैंने ऊपर पाथ बनाया है, जो अभी तक हमने रेंज पढ़ी है, एच मैक्स पढ़ी है, वो सब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से प्रूव करेंगे, ताकि आपको फील आए कि ये जो इक्वेशन मिली है आपके लिए नहीं है, नो डाउट, पर जब आप मैथ में पैराबोला पढ़ेंगे आपको ये बच्चों वाली इक्वेशंस लगेंगी। तो ये जो इक्वेशन हम डिराइव किए हैं, पाथ की इक्वेशन आप डिराइव किए हो, ये जो पाथ बनता है, ये ऊपर जो हमने बनाया, जो अभी तक हम बनाते रहे, वही होता है पाथ, पैराबोला ऐसा दिखेगा आपको, ओरिजिन से स्टार्ट होके ऐसा दिखेगा, ये इसी की इक्वेशन है, इस पाथ की इक्वेशन ये होती है आपकी। एक्स के इक्वेशन से नहीं आएगा क्या? एक्स के इक्वेशन से भाई पुट तो आप कर दोगे, कैसे आएगा ये बताना मुझे, टी की वैल्यू कहां से निकालोगे, इक्वेशन टू से निकाल के डालोगे। जय, टी की वैल्यू इक्वेशन टू से निकाल के वन में डालने को बोल रहे हो क्या? हाँ, तो तुम टी की वैल्यू इक्वेशन टू से निकाल के वन में डालो, तुम डालो, आज तुम्हारा होमवर्क यही है, तुम टी की वैल्यू इक्वेशन टू से निकाल के वन में डालो। क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी तुम्हें टी की वैल्यू सोल्व करने के लिए, इक्वेशन टू से अगर टी की वैल्यू तुम डालोगे वन में, क्वाड्रेटिक सोल्व करो पहले, तो क्यों जा रहे हो उसमें, वन से टी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, उसको टू में डाल दो। अरे समझा, बहुत हार्ड हो जाएगा, तो जब तुझे पता है हार्ड हो जाएगा तो पूछ क्यों रहा है, समझा? अच्छा, तुम्हें एक मजेदार चीज बताऊं, वाई क्या है, वाई क्या जनरल वाई कोऑर्डिनेट, एक्स क्या है, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, क्या वाई और एक्स को छोड़ के जो इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जो भी चीजें हैं, क्या सब कॉन्स्टेंट है, चाहे आप जी को देखो, चाहे आप यू को देखो, चाहे आप टेन थीटा या कोस थीटा को देखो, क्या सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, बस जो भी चेंज हो रहा है वो वाई और एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ऑब्वियसली। यस, अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर मुझे रेंज निकालने को बोला है, जल्दी बताना सोच के, अगर मुझे रेंज निकालने को बोला है वाई को क्या पुट करूं, जल्दी सोच के बताना, रेंज क्या होती है दिमाग में सोचो, पुट करूं वाई को जीरो, देखो हर एक चीज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आ जाएगी, देखो 2 मिनट और ले रहा हूं, शायद टाइम होने वाला होगा, बस 2 मिनट और ले रहा हूं, एक्सटेंड हुआ क्या टाइम, हाँ हो गया। देखो अगर मुझे रेंज निकालनी है, क्या मैं वाई को जीरो पुट करूं, बिल्कुल, दिमाग में सोल्व करो, क्या आपको ये इक्वेशन दिखेगी, क्या वाई को जीरो डालने पे जो एक्स आएगा वही रेंज होगा, यस और नो, क्या वाई को जब हमने जीरो डाला तब जो एक्स आएगा क्या वही रेंज होगा, यस। टेन थीटा को क्या बोल दें, साइन बाय कॉस, एक कॉस से कॉस गया, एक्स देखो यहां से कितना आ रहा है, टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, क्या यही रेंज आई थी आपकी, चेक करके बताओ, क्या यही रेंज आई थी, क्या ये कोई जादू है, हाँ देखो लग रहा होगा, अरे वाह रेंज एक और तरीके से आ गई, क्या ये कोई जादू है, कोई जादू नहीं है, घूम फिर के हमने वही किया है, वहां हमने ध्यान से देखो एस वाई जीरो डाल डाल के हमने टाइम निकाले थे, और फिर एस एक्स हमने निकाला था, देखो यहाँ पे ये टाइम की वैल्यू डाल के, यही यहाँ वही तो किया है हमने, एस वाई मतलब वाई, वाई को जीरो डाल के हमने सोल्व किया, एक ही चीज है वो सारी चीज है, बोलो क्लियर हो रहा है, कल इस पे और पीएचडी करेंगे, आज का लेक्चर सबको क्लियर, क्या ये अभी मत लिखो, कल ही लिखेंगे, आज का लेक्चर सबको क्लियर, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, मजा आ रहा है फिजिक्स में, अभी तो चलो 2-3 दिन हुआ है, फिजिक्स इतनी मजेदार है, मतलब आप दुनिया की हर चीज भूल जाओ, फिजिक्स सबसे मजेदार है, ठीक है, थोड़ा सा बस फोकस रखो, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम,
कल क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ अच्छे, ठीक है? चल बाय बाय।